सो गाइस यहाँ पे आप लोग को पता है ना, फ्री फायर का यहाँ पे अभी एक बड़ा वाला टूर्नामेंट फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज खत्म हुआ है। तो गाइस यहाँ पे वापस ना फ्री फायर एक न्यू इवेंट ला रहा है जो यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। और गाइस यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है वो काफी बड़ा वाला होने वाला है। और साथ ही में गाइस यहाँ पे ये टूर्नामेंट में आप लोग को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और गाइस यहाँ पे ये टूर्नामेंट आप लोग को कब से कब देखने को मिल जाएगा, यानी कि गाइस इसकी कंफर्म डेट क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाली है। सो मित्रों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी मजेदार रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर वॉच करना। और गाइस यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते करेंट फ्री फायर के न्यू ओबी अपडेट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे करेंट फ्री फायर का अभी यहाँ पे न्यू ओबी अपडेट आने वाला है। और गाइस यहाँ पे आप लोग को पता है करेंट फ्री फायर में हर दो महीने में एक ओबी अपडेट आता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को करेंट फ्री फायर में इस महीने के बाद में गाइस यहां पे ओबी अपडेट देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहां पे ये ओबी अपडेट रहने वाला है हमारे गरेना फ्री फायर का 8 जून को, ठीक है। और गाइस यहां पे 8 जून के दिन आप लोग गरेना फ्री फायर बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे, यानी गाइस यहां पे 8 जून को आप लोग को हमारे गरेना फ्री फायर गेम को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये अपडेट के बाद आप लोगों को करेना फ्री फायर गेम में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे ये अपडेट के बाद में गाइस यहाँ पे और भी आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर प्रो लीग इंडिया के बारे में, जो गाइस यहाँ पे कब से स्टार्ट होने वाला है, साथ ही में गाइस यहाँ पे उसके रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स आएंगी वो हम जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे करेना फ्री फायर में आप लोगों को थोड़े ही दिनों में यहाँ पे 50% ऑफ लेजेंडरी गन स्किन बॉक्सेस पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे सारी गन के बॉक्सेस पे 50% ऑफ देखने को मिलेगा, यानी गाइस यहाँ पे अगर आप लोग के पास क्यूबिड स्केयर मैकेनिकल MP40 और भी गाइस यहाँ पे गन्स नहीं हो तो गाइस यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसके बक्से खरीद के निकाल सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग इसको परमानेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को कोई भी एक गन ग्रेड मिल रहा होगा 50 डायमंड में, तो गाइस यहाँ पे उसका रेट हो जाएगा 25 डायमंड, ठीक है। यानी गाइस यहाँ पे इस बार आप लोग को यहाँ पे गन क्रिएट्स बहुत ही सस्ते में मिलने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो डायमंड्स बचा के रख सकते हैं, और गाइस यहाँ पे आप लोग आगे जाके इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ये तो हो गया हमारे गन स्किन के बाद, गाइस यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं करेना फ्री फायर के नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट है वो है गाइस यहाँ पे आप लोग को हैकर स्टोर जैसा एक इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस यहाँ पे आप लोग को अलग अलग प्रकार के बंडल्स और गाइस यहाँ पे इमोट और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बियर्ड है वो आप लोग को देखने को मिल सकती है। और गाइस यहाँ पे ये इंडियन सर्वर में आप लोग को गरेना फ्री फायर के अगले महीने की 12 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोग को बताया गरेना फ्री फायर में अभी पिछली बार मिस्ट्री शॉप आया था, वो मिस्ट्री शॉप 12 से 14 तारीख के बीच में आया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इस बार भी आप लोग को गरेना फ्री फायर की तरफ से यहाँ पे न्यू हैकर स्टोर देखने को मिल सकता है। और गाइस यहाँ पे ये इसकी जो डेट है वो रहने वाली है 12 से 16 जून तक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसका वेट करके डायमंड बचा के रख के इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप लोग को पता है यहाँ पे हैकर स्टोर में हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो इसके लिए यहाँ पे रेडी रह सकते हो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं करेना फ्री फायर के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है वो करेना फ्री फायर का क्लैश कोड का रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पे अभी आप लोगों करेना फ्री फायर के क्लैश कोड में कितने स्टार पे हो वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। गाइस यहाँ पे यार मैं तो प्लेटिनियम पे हूँ यार, क्योंकि खेल नहीं पाता, आप कौन से स्टार पे हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप लोग का रैंक कौन सा है, या तो आप लोग हीरोइक पे हो तो हीरोइक कितने स्टार है आप लोग के वो मुझे जरूर से बताना, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और गाइस जब हम बात कर लेते हैं ना फ्री फायर के यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्लैश कोड सीजन 7 के कॉस्ट्यूम और बैनर्स के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आप लोग अभी जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पे आप लोग को गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम और हीरोइक के अलग अलग बैनर्स इस प्रकार से कुछ देखने को मिलने वाले है। साथ ही में गाइस यहाँ पे आप लोग को एक M1040 की फ्री में गन स्किन देखने को मिलेगी, जो गाइस यहाँ पे आप लोग को गोल्ड रैंक पे आना होगा इसके लिए। और गाइस यहाँ पे हीरोइक की टी शर्ट भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही में गाइस यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का अवतार देखने को मिल रहा है जो काफी ओपी वाला है, ठीक है। सो गाइस ये तो हो गए हमारे सारे अपडेट के बारे में बात। सो गाइस जब हम बात कर लेते करें ना फ्री फायर प्रो लीग इंडिया के बारे में कि गाइस यहाँ पे ये कब से स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे कल हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज खत्म हुआ, बाद में गाइस यहाँ पे करें ना फ्री फायर की ये लीग निकल के बाहर आई है कि गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रो लीग इंडिया इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। और गाइस यहाँ पे ये जो हमारी चैंपियनशिप होने वाली है वो गाइस यहाँ पे आप लोग को इसमें
इंडिया और नेपाल के प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही में कहीं जहाँ पे इसका यहाँ पे आप लोग को वॉचिंग डेट भी दिया जाने वाला है, और कहीं जहाँ पे अभी आप लोग इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। गई जहाँ पे आप लोग को 1 से 4 के जून के बीच में गई जहाँ पे फ्री फायर का फाइनल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। गई जहाँ पे FFC का फाइनल 1 से 4 के जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में कहीं जहाँ पे आप लोग को गरना फ्री फायर का मैच डे 1 से 6 26 जून से 11 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही में कहीं जहाँ पे आप लोग को इसका जो ग्रैंड फिनाले है वो गई जहाँ पे आप लोग को 18 जुलाई को देखने को मिलने वाला है, यानी कि गई जहाँ पे इसके जो अमेजिंग फ्री के रिवॉर्ड्स वॉचिंग के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो गई जहाँ पे आप लोग को 18 तारीख को दिए जाएंगे, यानी कि गई जहाँ पे इसके लिए भी आप लोग को गरना फ्री फायर को फुल सपोर्ट दिखाना होगा। साथ ही में कहीं जहाँ पे आप लोग को इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से रिवॉर्ड्स मिलने वाले, ठीक है। और कहीं जहाँ पे आप लोग को अभी जैसे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज यहाँ पे इवेंट देखने को मिला था जिसमें कहीं जहाँ पे आप लोग को बहुत सारी फ्री की चीज़ देखने को मिली थी, वैसा भी कहीं जहाँ पे हो सकता है कि कहीं जहाँ पे आप लोग को 18 जुलाई को गरना फ्री फायर की तरफ से बहुत सारी ऐसी फ्री की चीज़ें देखने को मिल सके, ठीक है। क्योंकि जिसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यहाँ पे नेपाल के बंदे खेले हुए देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी ओपी बात है। और कहीं जहाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी 8 तारीख को यहाँ पे बांग्लादेश का सर्वर यहाँ पे होने वाला है नया, तो कहीं जहाँ पे इसके स्कार्फ के बारे में आप लोग को नहीं पता है तो कहीं जहाँ पे आई बटन में वीडियो अगर आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हो, और कहीं जहाँ पे आप लोग जान सकते हो कि कहीं इसका स्कार्फ है वो कैसे मिलेगा, ठीक है। सो कहीं जहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को गरना फ्री फायर का न्यू टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है। सो आई होप मित्रों आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और मित्रों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।